So first of all, I welcome all the students in this video. Actually, today we are going to start our new topic that is related to English grammar. Actually, this is the first topic that is known as tense. And this topic is the most important topic of English grammar. Actually, it is not a topic, it is the base of English grammar, we can say that, right? Knowing a good roots of English tenses, then it is sure that you are having a good command of English or writing as well as speaking. So before to start this topic, that is tense, we have some points which we need to know. First of all, we must come to know about the importance of tenses. Actually, in English we use tenses in reading and writing. Right? When we speak or when we write, somewhere directly or indirectly, roots of tenses might be there at that time. When we speak or write any sentence of English language, writing. So, in writing, so first of all, a word comes, that is word. Ek shabd aata hai, usko bhi hum kya bolte hain? Shabd bhi bolte hain. So, what is a word? अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, ए बी सी डी एस ए, इनको जोड़ने से वर्ड्स बनते हैं. वर्ड्स को जोड़ने से सेंटेंस बनता है. तो वर्ड्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बना? सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. इट मीन्स शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक सार्थक अर्थ दे, एक सेंस निकल करके आए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है. अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं कि राम स्लीपिंग इज, तो मेरे पास ये जो सेंटेंस मैंने अभी अभी लिखा, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है. वी हैव ग्रुप ऑफ वर्ड्स, थ्री वर्ड्स आर देयर, बट दीज थ्री वर्ड्स आर नॉट गिविंग अस a meaningful sense, so we can say that this is not a sentence. हिंदी में अगर हम बात करें, राम सो रहा है, ये एक sense निकल के आ रही है. लेकिन अगर इसी sentence को हम ऐसे लिख दे, राम है सो रहा, according to English grammar, ये एक meaningful sentence नहीं है. इसलिए हम इसको sentence की category में नहीं रख सकते. Sentence, group of words that gives a meaningful sense is called sentence. For example, examples हमने लिख रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो. Right? Now, sentence का ही खेल है सारा हमारे पास English में. अगर आपको sentence बनाने आ गए तो आप बहुत अच्छी English बोल भी सकते हो, और बहुत अच्छी और शुद्ध, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश के सेंटेंस लिख भी सकते हैं. सो टू मेक सेंटेंस, टू राइट सेंटेंस, टू राइट एक्यूरेट सेंटेंस विद 0% एरर, वी नीड टू नो अबाउट द रूल्स ऑफ टेंसेस. राइट? टेंसेस क्या इंपॉर्टेंस अब पता चल गया. अगर हम सेंटेंस को लिखना चाहते हैं, अच्छे सेंटेंस को लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबको ये लगे कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सब कहे कि भाई उस आदमी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, ही डज हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश. सो इन दिस प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कम टू नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेंसेस. एंड इफ यू विल बी एजुकेटेड वंस इन दिस मैटर, देन देयर विल बी नो लिमिट व्हाट यू कैन अचीव इन योर लाइफ. सो दिस वॉज द रीडिंग, राइटिंग, वर्ड, सेंटेंस. एंड नाउ इट कम्स टू द टर्म टेंस. व्हाट इज टेंस? Tense, it is the form of verb which tells us about the time of action, is known as tense. Again, I'm repeating, it is the form of verb which tells us about the time of action, that is known as tense. Right? Tense हमें action के का जो समय होता है उसके बारे में बताता है. जैसे for example, राम सो रहा है, राम सो रहा था, और राम सो रहा होगा, या फिर राम दिल्ली गया, राम दिल्ली जा रहा है, या राम दिल्ली जाएगा. सेम एक्शन इज देयर,
बट द टाइम इज डिफरेंट. एक में वो काम हो चुका है, एक में वो काम कर रहा है और एक में वो काम करेगा. सो अलग अलग टाइम पीरियड में एक काम अलग अलग टाइम पीरियड में हो रहा है. कौन सा काम किस टाइम पीरियड में हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज हमें पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ टेंसेस, राइट. सो टेंस का यही इंपॉर्टेंस है. इन एवरी लेसन दैट यू हैव हर्ड इन योर प्रीवियस क्लासेस यू विल बी लर्न इन योर नेक्स्ट क्लासेस एवरीवेयर यू विल सी टेंसेस. सो नाउ वी कैन से दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेंस. सेकेंड थिंग इज दैट कुछ बच्चे जो है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको उन्होंने शायद पिछली क्लासेस में पढ़ा हो. जो मान लीजिए नाइन्थ क्लास में है दे माइट हैव लर्न टेंसेस इन एट्थ क्लास सेवंथ क्लास. हुज द स्टूडेंट्स हु आर इन टेंथ क्लास दे माइट हैव लर्न दिस टॉपिक इन नाइन्थ क्लास. और जो इलेवंथ में है उन्होंने टेंथ में नाइन्थ में एट्थ में पढ़ा होगा. क्यों पढ़ते हैं हम बार बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इतनी साल तक पढ़ने के बाद भी हम टेंसेस के रूल्स को अच्छे से नहीं जान पाते, इसलिए हमारे सामने ये एक समस्या है. और मैं चाहता हूँ कि जिसको जितने टेंसेस आते हैं बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड फॉर यू इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर इट. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आज आपको या आने वाले कुछ वीडियोज में जो इससे रिलेटेड है हम अपने सारे डाउट्स दूर करेंगे. जिनको नहीं आता उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, नोट्स को जो है आप नई फेयर नोटबुक में जो है कॉपी कर सकते हो. ये हमारा टॉपिक है आज का, टेंसेस है. दैट वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था टेंस के बारे में. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंसेस, राइट. सो स्टूडेंट्स there are three types of tenses. Number one present, second one is past and the next one is future. Actually this is a very simple thing और आप सब जानते भी हो कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम इनको अब सीखें. अब तक जो रहा जहाँ कमी रह गई है हम उनको ठीक है भाई हो गया सो हो गया, बट अब हम इनमें सुधार कर सकते हैं और आने वाली क्लासेस के लिए आज से ही अभी से ही हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर ले, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है. और कुछ को आते भी होंगे, जिनको आते हैं वो भी संयम रखें, क्योंकि क्या पता कुछ नया आपको इस वीडियो में इस टॉपिक में सीखने को मिल सकता है. इनके आगे चल करके चार चार पार्ट्स होते हैं. दीज थ्री पार्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस. कंटीन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान से देखना, हर बच्चे बहुत ज्यादा इसमें गलती करते हैं. सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस, सी ओ एन TINUOUS. जब भी आप इसको नोट करें स्पेलिंग को एक बार ध्यान देना. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. सिमिलरली पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. एंड द नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. इट मीन्स वी हैव थ्री टेंसेस हियर विच हैव फोर पार्ट्स is equal to 12. It means we have total 12 tenses which are very important in this criteria. So अब हम इन 12 tenses को deeply study करेंगे, ठीक है. उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो देखिए वो क्या होती है. तो वो important चीज है sentence, right? हम tense पढ़ रहे हैं लेकिन टेंस में हमें बनाने क्या है, टेंस सीखने के बाद हमें शुद्ध सेंटेंस बनाने हैं. सो बिफोर टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टेंस दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनेट, आई विश दैट यू मस्ट कम टू नो अबाउट सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है, देखो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं बहुत गहराई की बात करने जा रहा हूँ टेंस को सीखने से पहले. एक सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर एक्शन होता है. एक्शन का मतलब होता है काम, क्रिया, क्रम. और दूसरा सेंटेंस वो होता है जो नॉन एक्शन होता है, मतलब जिसमें कोई काम नहीं होता. ये हमारे पास दो प्रकार के सेंटेंस बेसिक से होते हैं. एक्शन वाले सेंटेंस का अगर मैं एग्जांपल ले हूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है. ही इज प्लेइंग,
इन दिस सेंटेंस काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है? ही, और क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक काम हो रहा है, ये सेंटेंस एक्शन वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन एक्शन, जिसमें कोई काम नहीं होता, जैसे ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, एक हमारे पास ये सेंटेंस हो गया। इसमें कोई काम नहीं है, बेसिकली यह बताया जा रहा है कि भाई ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, नॉट इवन ए सिंगल एक्शन इज देयर, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एक्शन वाले सेंटेंस। एक्शन वाले सेंटेंस हमारे टेंस में अप्लाई होंगे फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। समझ में आ गया एक्शन। अब एक्शन वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है। सबसे पहले क्या होता है, बेसिक सी बात है, सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट। काम अगर होएगा तो काम को करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। जब तक सब्जेक्ट नहीं है, काम को करने वाला ही नहीं है, तो काम होएगा कैसे? इसको हम कहते हैं कर्ता। उसके बाद जो है हमें चाहिए वर्ब। क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। काम चाहिए, काम को करने वाला चाहिए। काम चाहिए, काम को करने वाला चाहिए। उसके बाद एक होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्म। ये एक ऑप्शनल चीज है। कुछ जगह ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और कुछ जगह ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस था, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, सब्जेक्ट हो गया ही और वर्ब क्या हो गई? इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। तो यहां तक ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये ऑप्शनल में होता है। अगर ये नहीं भी होता है तो भी इसके बिना एक एक्शन वाला सेंटेंस हम बना सकते हैं, अगर ये ना हो तो भी, हो तो भी और ना हो तो भी, बट ये दो चीजें हैं जो जरूरी होती है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट हो गया, इज प्लेइंग ये हमारा वर्ब का पार्ट है और ये क्रिकेट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम क्रिकेट को हटा देते हैं, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम क्रिकेट को हटा देते हैं तो भी ये सेंटेंस बन गया क्या? ही इज प्लेइंग। तो एक्शन वाले सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब तो हमें चाहिए ही चाहिए हर हाल में, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है। समझ में आ गया? तो ये बात थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, इनका हमें आगे यूज करना है। अच्छा, उसके बाद फिर ये सेंटेंस हम तीन कैटेगरी में रखेंगे। नंबर वन कैटेगरी होगी हमारी सिंपल सेंटेंस, जैसे कि आप यू कैन सी दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। नंबर टू इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस गिव्स ए नेगेटिव सेंस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इफ वी हैव हेयर नॉट, तो क्या बन जाएगा? ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राइट? थर्ड इज इंट्रोगेटिव। कुछ बच्चे इसको इंटेरोगेटिव बोलते होंगे, या आपके टीचर ने भी शायद आपको इंटेरोगेटिव पढ़ाया हो, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है इस वर्ड की, दैट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? इज ही प्लेइंग क्रिकेट? इज ही प्लेइंग क्रिकेट? तो ये हमारे पास तीन सेंटेंस होंगे, थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव। एक्शन और नॉन एक्शन मैंने आपको बताया। अब हम अपना फर्स्ट सेंटेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनेट, PRESENT,
प्रेजेंट इंडेफिनेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही जरूरी है। और 12 के 12 टेंसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इसके रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होते हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले इसी का सामना करते हैं, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम आपको अब जो पहला जो सेंटेंस टेंस सिखाएंगे दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।